ए मेसियार मनी की पाजी इसी थार मनी की अरे ए मेसियार मनी की पाजी इसी थार मनी की अरे ता इश्को सख्त लहजी हर दिया करार मनी की अरे मतेन गदेरी रेन्यान तान खोशो गदेरी असुन अरे हे सखेन खूर बामोसार हेसाखेन कूर बामोसार तान सोरो निवेरिया सुम यरे हेसाखेन कूर बामोसार तान सोरो निवेरिया सुम यरे के हर जबान के साथ उसके लोक गीत उसके तालिमात और उसकी फेरी टेल्स उस इलाके के जो और प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो अपने साथ लेके चलता है। तो हमारे वहाँ भी लैला मजनू आप समझ लें उसे कह लें या आप उसे ससी पानू कह लें ही रांझा कह लें तो हमारे वहाँ भी मोहम्मद सियार और योर माने हमी इनकी एक स्टोरी है जो कि एक मुकम्मल करैक्टर है। ये पूरा एक आप यूँ समझ स्ट्रक्चर है मोहब्बत का और वो भी पाकीज़ा मोहब्बत जिसे डिस्क्राइब करना बहुत आसान है उसको निभाना मुश्किल है। तो वो मोहम्मद सियार जो थे वो बहुत बड़े शायर थे वो हिस्टोरियन भी थे। उनकी शायरी फ़ारसी में भी है। तो अब आप ये कहेंगे कि जी चित्राल का जो शख्स है मोहम्मद सियार या हम इसे बाबा सियार भी कहते हैं उसको फ़ारसी से क्या काम है ना। चित्राल की ज़बान उसी एरिया में रहता है। देखिए उस ज़माने में ये काटूरे वो लोग हैं जिन्होंने सबसे लास्ट उससे पहले चित्राल में बहुत सारे लोगों ने हुकुमरानी की है। तो हमारे आखिरी के जो लोग थे जिन्होंने चित्राल पे हुकुमरानी की वो काटूर कहलाते। काटूर सानी का ज़माना था। तो चित्राल में जो दफ्तरी ज़बान थी वो फ़ारसी थी सरकारी। जाहिर सी बात है सरकार ने राइज किया तो दफ्तरों में भी वो दफ्तरी में इसलिए कह रहा हूँ कि फारसी लिखी जाती थी फारसी पढ़ी जाती थी सब काम फारसी में होता था। तो दफ्तरी ज़बान थी और जब वो दफ्तरी ज़बान होगी तो वो लोगों तक भी जाएगा। तो इस तरह सियार जो थे वो उस माहौल में उस एरा में फ़ारसी भी उन्होंने सीखी फ़ारसी में उनकी शायरी है। फिर कहते हैं कि वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था। उसके अलावा वो स्विमर था। स्विमर आप कहेंगे तो हम तो ये तसव्वुर करते हैं ना यहाँ खुदा आपका भला स्विमिंग पूल में आप चले जाएं एक बंदा आपको बचाने के लिए पहले मौजूद होता वहाँ पे ना आपने कहा कूद जाओ या बचे या नहीं तो उस तरह करके वो आप हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है कि भाई वहाँ पर आप डूब नहीं सकते बहुत मतलब माइनर केसेस में होता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं अगर आप स्विमर कहेंगे तो वो जो दरिया है वो मतलब ट्रक को भी बहा के ले जाए वो और फ्लो बहुत तेज़ होता है जब वो ठहरा हुआ पानी नहीं है इट्स अ मूविंग रिवर मूविंग वाटर जी हाँ और बहुत ठंडा होता है वो।
तो दरियाए मस्तूच ये उन दोनों लवर्स के जो वैली थे, गांव थे, उनके बीच में बहता है। ये क्या मस्तूच फोर्ट से नजर आते? आप बिल्कुल नजर आता होगा, मैं कभी वहां नहीं गया हूँ, लेकिन जो रिवर आपने देखा है, हाँ फोर्ट से, जी जी, वो रिवर जो है वो वहाँ से बहता हुआ आता है और वो दरियाए मस्तूच कहलाता है। और ये अब मैं इसको इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जो देखने वाले हमारे शायद जो चित्राल के कल्चर से वाकिफ नहीं हैं या चित्राल की चीज़ों से वाकिफ नहीं हैं, दरिया से या उनके मुकामात से या दूसरी चीज़ों से उनके बारे में उनका जहन क्लियर नहीं है या उनको उनका विजन नहीं है या विजुलाइज कभी नहीं किया, तो वो जो आपके पास रिवर आ रहा है मस्तूच रिवर, वो मस्तूच रिवर जो है वो बहता हुआ लोटकू रिवर से, वो जो एरिया है उसमें डिफरेंट जाति, वो बहुत बड़ा एरिया है, वो उसके अंदर अलग अलग गांव भी हैं, एक सेंट्रल चित्राल, फिर उसके आप आगे चलते जाएंगे तो गांव बदलते जाएंगे, नाम अलग होते चले जाएंगे। तो एक एरिया है सिंगूर, सिंगूर कहते हैं आप, सो सिंगूर कह लें उर्दू में, सिंगूर हम कहते हैं। उस एरिया में एयरपोर्ट आपने देखा है चित्राल का? बिल्कुल, चित्राल के एयरपोर्ट से जो इस तरफ जब आप पिशावर की तरफ दोबारा यूँ समझ लें कि आप प्लेन से उड़ने के लिए जब पिशावर से आप टेक ऑफ कर रहे हो, तो आपके सीधे हाथ पे जो गांव है वो सिंगूर है, ठीक है, वो एयरपोर्ट। तो उससे थोड़ा आगे आप चले जाएं, कोई तकरीबन हार्डली 8 मिनट या 10 मिनट, तो गानकोरिनी का एक एरिया है, गानकोरिनी नाम उसका, गानकोरिनी मतलब हवा चलने वाली एरिया, जहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है, गान हवा को कहते हैं। अब जो वहाँ पर ये जो दो दरिया है ये आके मिलते हैं गानकोरिनी के मुकाम पर, दरिया मस्तूच और दरिया लोटकू वहाँ मिलते हैं, वहाँ से ये दरिया चित्राल कहलाते हैं। ये दरिया चित्राल फिर चलता है, ये जाके अफगानिस्तान की साइड निकलता है तो दरिया कुनाड़ कहलाता है। फिर दरिया कुनाड़ आगे चलते हुए जलालाबाद, फिर वहाँ से होता हुआ ये वापस इस रूट करते हुए पाकिस्तान में अटक के मुकाम पे फिर ये जाके इंडस रिवर पे गिरता है। यू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू? पूरा एक दरिया ने एक गुड़, मतलब हमारी टेकिंग सो लॉन्गर रूट एंड देन कनेक्टिंग। तो अब उस वो स्विमर था तो उस दरिया का था जो कि इतनी जो है, मैंने इतनी तमहीत इसलिए बांधी कि आप इस स्टोरी से पहले थोड़ा उस उनकी करेक्टर को आप समझ लें कि वो कैसा करेक्टर था। मैंने इसीलिए कहा ना कि सब मिलेगा आपको, तो मज़े की बात ये, तो वहाँ वो बंदा स्विमर था और ये जिससे प्यार करता था, इसका बिलवर्ट आप कह लें, वो थी योर मन हमीन। तो ये कहाँ की थी? यार मन हमीन भी कहते हैं हम, योर मन हमीन कहते हैं, ठीक है। ये जो बाबा सियार थे, मोहम्मद सियार, ये शोग्राम के थे, और ये जो योरमन हमीन थी ये रशुन की थी, दोनों गांव आमने सामने। तो उसमें एक शायर बाबा सियार की शायरी में वो कहता है कि जुबा शोग्रामी बीती ओह मजान रेशनोते की गोस क्या नहीं बोया ताखारा गुल गांबूरी एक ही माते दोस्त क्या नहीं बोई यारे। मतलब इसका मतलब ये है कि दो दिन तुम हमारे एरिया में ठहर कर अगर वापस चली जाओ तो कितना अच्छा होगा, और जो तुम्हारे बाग में तुम्हारे जो हाथ में आप यूँ समझ लें, इसको मुख्तलिफ डिस्क्राइब करते हैं, दो फूल हैं, एक अगर मुझे दो तो कितना अच्छा होगा। सो क्यूट, सो ब्यूटिफुल।
सो वो एक नया बड़ा मतलब वो शायर था, तो उसकी सच्ची मोहब्बत जैसे आप यूँ समझ लें कि सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं वाइस, हकीकत खुद को मनवाती है मानी नहीं जाती। जब आपके पास सदाकत हो ना, हकीकत हो, तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं वाइस, मतलब आपकी बात जब भी जाके हिट करती है, हकीकत खुद को मनवाती है मानी नहीं जाती। हकीकत है वो, हम उसको हम माने ना माने, लेकिन वो तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि वो ऐसा ही था। इसका एक इसकी एक स्टोरी जो इनकी मोहब्बत की स्टोरी होता ही है कि जी किसी बात पे यौरमान हमीन सख्त गुस्से में होती है वे अपना जो है वो मरसियार बाबा से, बाबा सियार से, तो जनाब वो इस गुस्से की हालत में अपने गांव से निकल पड़ती है शोग्राम की तरफ रेशम से। और ये जो आपके सियार साहब हैं, इसके दिल में आरजू होती है कि यार चले आज महबूब से मिल के आते हैं, उसको देख के आते हैं। तो वो चल पड़ते हैं, यहाँ से ये चल पड़ती हैं, वो वहाँ से वो चल पड़ते हैं। और कहा जाता है कि जी वो मौसम ख़राब था, ख़राब का मतलब ये कि हल्की फुल्की बर्फ़बारी हो रही थी और बारिश हो रही थी। तो ये इत्तेफाक़ से दोनों मस्तूज दरिया के संगम में दोनों पहुँचते हैं, एक रेशम की साइड से, एक शोग्राम की साइड से। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है कि दरिया को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं, ब्रिजेस। हमारे वहाँ लोकल ब्रिजेस भी हैं, गवर्नमेंट के बनाए भी हैं, लोकल मतलब आप यूँ समझ लें इसको कि छोटे ब्रिजेस होते हैं जो छोटे छोटे गाँव को छोटे छोटे दरियाओं पर कनेक्ट करते हैं, या बाज़ बड़े दरियाओं पर भी लोगों ने क्या किया होता है कि वो अपने करीब करीब के गांव के लिए पुल बना लेते हैं, वो उनका अपना बनाया हुआ पुल होता है। फिर वो लंबे चक्कर से बचने के लिए वो शॉर्टर यूज़ जो आपका रूट है, शॉर्टर रूट जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो पुल है ये बाकायदा उस ज़माने के हिसाब से बड़ा ही पुल होगा ये, क्योंकि छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दरियाए मस्तूज पे है, ये किसी नाले पे नहीं बनाया हुआ। तो वो उस पर पहुँचते हैं और फिर वो दोनों पुल चढ़ते हैं, पुल पे एक दूसरे को देखते हैं, जी जनाब ये तो यहाँ आ गई, वो कहते हैं कि मैं भी सामने आ गया। अब मोहब्बत की सच्चाई का सबूत आप देख लें कि सियार कहता है कि यार मैं अगर इस पुल से मतलब आगे गया, महबूब की तरफ गया, तो हो सकता है कि मुझे पुल क्रॉस करने के लिए उसे टच करना पड़े। छोटे छोटा पुल है ना, लोगों का बनाया हुआ है, उस ज़माने में आपके पास गाड़ियां तो है नहीं, ठीक है, गाड़ियां नहीं है तो लोग पैदल सफ़र करने के लिए या शाजो नादर मवेशियाँ इधर से उधर ले जाने के लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो इतना पुल है कि एक बंदा एक वक्त में गुजर सके। फिर कहता है कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, अगर मैं पीछे मुड़ता हूँ वापस तो मेरी पीठ महबूब की तरफ हो जाएगी, अब मैं क्या करूं। इसी कश्मकश में वो दो रिवायतें हैं, इसको भी आप नोट कर लें, दो तरह की कहानी। एक तो ये कहते हैं कि उसी कश्मकश में वो उल्टे पांव चलना स्टार्ट होता है और पांव फिसलता है, वो दरियाए मस्तूज में गिरता है, फिर वो तैर के रेशम जाके वहाँ एक घर में पनाह लेता है यौरमान हमीन के गुस्से से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, वो ये सोचता है और दरिया में छलांग लगा देता है, क्योंकि तैराक था उसके लिए तो कोई मसला नहीं था, दरिया में छलांग लगाता है, तैर के दूसरी साइड निकल के रेशम जाके वो वहाँ जो है वो पनाह लेता है। ये एक और स्टोरी फिर इनके बारे में है कि आप लोगों ने वो पट्टी बनाने का, चित्राली पट्टी बनाने का वो चरखा देखा है, कौन सी
चित्राली पट्टी होती ना, जिसे आप अभी मैं आप मेरे पास फकोल है या आप इसे चित्राली टोपी कह लें, खपोल कह लें, वो अगर मैं पहनूंगा तो वो उसी वूलन वूल ऊल से बना हुआ, ठीक है, तो उस वो उस ज़माने की औरतें या अभी भी वो उस चरखे को यूज़ करके वो बनाती हैं। रेशम को वो नहीं, रेशम नहीं होता वो, नहीं उसको जो हाँ हाँ वो बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने, ये चीज़ तो उसकी ज़रूरत पड़ गई जी महबूब को, महबूबा को, सॉरी महबूबा को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई। महबूब ने जो है वो कई दरख्त गांव में काट दिए जी, कि ऐसा शाहकार मिले लकड़ी कि वो मेरी महबूबा के शायनशान हो। फिर ये भी रिवायत है कि वो धागा जो और उसकी जो चीज़ें हैं धागे की और वो जो चरखे में इस्तेमाल होती हैं धागा सिलाई कह लें आप, वो लेने के लिए वो हिंदुस्तान गए। अच्छा आप हिंदुस्तान गए तो देखिए चित्राल के अलावा बाकी का सारा एरिया हिंदुस्तान ही था, चित्राल भी उसी जोग्राफिया के अंदर अगर आप देख लें हुकूमतें अलग अलग रही हैं। अगर आप जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर मुगलों की हुकूमत थी, राइट यू राइट, ये किला बलहिसार आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके नज़र आएंगे सब बहुत सारे। तो फिर वो हिंदुस्तान मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो उस ज़माने में यहाँ आने को कह रहे हों, तो वो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान गए और वहाँ से वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी उस चरखे को चलाने के लिए वो लेके आए और फिर चरखा कांधे पे लाद के महबूब के घर छोड़ आए। तो ये एक रियल स्टोरी है, रियल मोहब्बत की स्टोरी है जिस पर बेशुमार मतलब आप यूं समझ लें कि उसको इजी इस वे में करते हैं कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे चित्राल में हर खास व आम जानता है, वाकिफ है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, मतलब हमारी माँ बहन बेटियाँ हो, जो भी हैं वो इस स्टोरी से वाकिफ़ हैं। तो इतना प्रोमिनेंट स्टोरी है ये, यहाँ नहीं जहाँ जहाँ चित्राली बोली जाती है वहाँ तक आप गिज़र के एरिया में चले जाएं, हमारी चित्राली ज़बान हमारे भाई बोलते हैं वहाँ, तो काफ़ी एरिया है गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ पर चित्राली ज़बान बोली जाती है, वो भी इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो ये जो रियलिटी होती है वो एग्जिस्ट भी करती है, वो लॉन्ग लास्टिंग भी है, नज़र भी आती है, हाँ वो उस कल्चर को में नज़र भी मतलब आना स्टार्ट हो जाती है जब आप वो चीज़ें सुनते हैं या विजुअलाइज करते हैं। आप मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इसको पीटीवी में बाकायदा तौर पर ये जो मसियार है इसको पीटीवी ने भी नशर किया, बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स नशर किए, लेकिन मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि इतना प्रोमिनेंट है कि इसको ख़ास तौर पर पीटीवी में इसको नशर किया गया। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, शायरी की उनकी शायरी में मैंने आपको बताया फ़ारसी में शायरी की। तो ये जो मोहम्मद सियार और यौरमन हमीद, इनकी मोहब्बत उस एरिया की जो मोहब्बत और प्यार और रोमांस का जो फील है वो आपको देता है।